इस समय तुम्हारे पिता को याद से बाहर बुलाएंगे छोटी बहन चमेली को, वो लाख बार समझाएंगे राज दरबार में, लेकिन तू तो पढ़ी लिखी है, चमेली अभी बच्चा है, बच्चे की बात को ध्यान से बाहर करो और किताबी बात को आगे करो। क्यों नहीं मंत्री भैया, ये किताब में लिखल छे चंपा अभी बुला रहे छोटी बहन चमेली को, कपार बार बार उठाई लगे बुढ़वा मत चुप रही में गाते लेकिन वो चुप की करब हम दय में जान करबे हम माय बाप ने जान सकिए जे आगे चले देखो आशीर्वाद दियो अगले बताओ प्रणाम बहन गे चमेली। हाँ अभी इसमें तुझे बुलाए हैं बहन मुझे। हाँ किस लिए बुलाए शायद मालूम नहीं। नहीं मालूम है तुम्हारे बहन चंपा को। हाँ तुम्हारे पिताजी ने हाँ बहुत पिटाई किया है। अच्छा और किस लिए किया है। किस लिए भरे हुए सभा में तुमने पिताजी को भाव जता मान लिया। हाँ लेकिन तुम्हारी बहन चंपा तुम्हारे पिताजी को भाव होता मानने से इनकार है। इनकार है चंपा को समझाओ मार पीट काहे के लिए खा रही है। हाँ क्यों नहीं समझाओ हम आवाज सुनो कैसे। ठीक है जाइए देखो बहन चमेली देखो बहन तुम्हें कितना पिटाई करते हैं पिताजी। पिताजी को क्यों नहीं भाग विदाता मान लेती हूँ बहन। अरे छोटी बहन पिताजी को भाग विदाता कैसे मान सकते हैं क्योंकि पिताजी आहार और मांस के पुतले हैं। हाँ, कोई भगवान नहीं मैं उन्हें भगवान मान सकूं भाग विदाता मानूंगा। नहीं बहन तुम्हें बहुत पिटाई करते हैं बहुत इसलिए तू भाग विदाता मान लो बहन। Thank you.
चमेली चमेली। मैं तुम्हें समझाने को कहा था या इस डंडाल के गले से निपट करके रोने को। पिताजी समझा रहे दीवान को लेकिन वो बोलते भाग विदाता नहीं मानूंगी। नहीं मानूंगी। जो लात का देवता होता है वो बात से नहीं मानता। मैं इसे समझाऊंगा। तू जा जा हवेली में विश्राम कर। जा चली जा चली जा शंपा। तुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। सिर्फ तुम्हें भाग विधाता नहीं मानने से मैं भाग विधाता नहीं कहलाऊंगा। महाराज आ गया। ये आ गया। ये क्या बक रहा है तू? का कहना चाहता है? इस समय चमेली चंपा को समझाना महाराज। चंपा चमेली की बात मानने से इनकार है। चंपा अगर चमेली आपका बेटी है तो चंपा भी ना आपका बेटी है हो। अगर महाराज चंपा नहीं मान रहा है सबसे बढ़िया रास्ता क्या? घर का मामला घर में शांत। अगर चंपा नहीं मान रही है आप तो पढ़े लिखे समझदार हैं। आप तो भाव देता है। अगर चंपा नहीं मान रही तो आप मान लीजिए। जोर फुलौड़ी भाग गए भीतर। हराम ज्यादा नहीं का जो मुझे भाग विधाता नहीं मानेगा उसे संसार में जीने का कोई। पैरों से सर उछल दूंगा। मारबो नौके भंगित बो। सुना ले जा इसे शॉट पहले कारागार में इसे बंद करो। को भवन मचर को भवन इसके हाथों में हट कर यार। डाल करके कारागार में बंद करो। चमेली से कह देना इसके शरीर से यह वस्त्र उतार देने को। सब सूख चमेली है भाग मछी के। मैं भाग विधाता हूँ। हसीला हसीला ए हसीला हसीला हसला चंपा पढ़ी लिखी गुआमर कनो भगले हो। सुना हम हंसे चंपा को समझाना पड़ेगा। चंपा के पिछड़ी नहीं छो जोरे तरह उसे मैं समझाऊंगा। जी महाराज कैसे वो मुझे भाग विधाता।